गणेश उत्सव मंडल नागपुर की तरफ से इस साल गणेश विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनाया गया। इस तालाब में जितने भी नागरिकों ने गणेश विसर्जन किया उनको एक गमले में मिट्टी और तुलसी के पौधे का वितरण किया गया। स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर इस संकल्प को लेकर पिछले साल से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए और गणेश जी के विसर्जन से जो मिट्टी बनती है उस मिट्टी को एक गमले में डालकर उसमें एक पौधा लगाकर जिन लोगों ने गणेश विसर्जन किया उनको वो पौधा वितरण कर लोगों के मन में गणेश भगवान को लेकर श्रद्धा है वह इस साल भर उनके साथ रहेगी। इस विचार के साथ कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी उसको ध्यान में रखकर तुलसी का पौधा वितरण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूरे शहर में मिट्टी की मूर्ति बैठाने के प्रति जन जागृति की गई और कृत्रिम तालाबों में विसर्जन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया गया। गत वर्ष से ओम नवयुवक गणेशोत्सव मंडल यहाँ दादरा के पुलिया इनके माध्यम से भी यहाँ कृत्रिम टैंक में विसर्जन की व्यवस्था में सहयोग मिला। इस वर्ष जब पूर्ण रूप से PUP पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया तो इस मंडल के भाई किशोर उमरेटकर जी ने एक विषय रखा कि भैया यह जो मिट्टी है इस मिट्टी का उपयोग आप लोग क्या करते हैं। हमने बताया कि प्रतिवर्ष तो हम लोग मिट्टी पानी के साथ बह जाती थी, इस बार यह मिट्टी मूर्ति बनाने वाले कुम्हारों को हमने बुलाया है और जहाँ जहाँ टैंक है वहाँ वहाँ की मिट्टी उनको देंगे। इन्होंने बताया कि मेरी इच्छा ऐसी है कि इस वर्ष यह जो मिट्टी है ये मिट्टी जिन लोगों ने गणेश विसर्जन किया उनको ही उनके घर में पौधा लगाने के लिए दी जाए। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से पर्यावरण पूरक गणेश विसर्जन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे शहर में POP की मूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया तो मिट्टी की मूर्ति बैठाने के प्रति जन जागृति की गई और कृत्रिम तालाब में गणेश विसर्जन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। इस तालाब में 305 लोगों ने गणेश मूर्ति का विसर्जन किया, उन सभी लोगों को एक गमले में मिट्टी के पौधे के साथ वितरण किया गया। पिछले सालों से पूरे नागपुर शहर में गणेश मूर्ति विसर्जन टैंक यह लगता था लेकिन किसी का ध्यान इसके ऊपर आकर्षित नहीं था। क्षेत्र के लोग 10-10 किलोमीटर मूर्ति विसर्जन करने जाते थे। हमारी कल्पना आई कि क्षेत्र में एक विसर्जन टैंक होना चाहिए ताकि जो 10 किलोमीटर दूर जाके मूर्ति का विसर्जन होता है वो हमारे क्षेत्र में इसका विसर्जन हो। पिछले साल से हमने एक कार्यक्रम को एक सामाजिक बांधलगी के कारण उस सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, एक सामाजिक परिवर्तन लाना है तो हमने एक प्रोग्राम को अरेंज किया। जो मूर्ति का विसर्जन हो रहा है इसमें से वो बनने वाली जो मिट्टी है उसको वापस कुंडी में डालकर एक पौधा लगाकर वापस उन्हीं के घर के सदस्य को हम वापस कर रहे हैं। स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर इस संकल्पना को लेकर चल रहे ओम नव युवक गणेश उत्सव मंडल नागपुर ने सभी नागरिकों के सामने एक आदर्श निर्माण कर सामाजिक परिवर्तन करने का प्रयास किया। ऐसी संकल्पना को लेकर अगर हर लोग चले तो हर गांव हर शहर स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।